वक्त की बड़ी और अहम जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है। नाव में सवार 34 लोग डूब गए हैं, जिसे एनडीआरएफ और जल पुलिस टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी वाराणसी से सामने आ रही है। नाव में डूब गए 34 लोग, हादसे वाली नाव में कुल 34 लोग सवार थे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है आपको बता रहे हैं। पुलिस के अनुसार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है वाराणसी से सामने आ रही है। दो लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाव में सवार सभी लोगों को लोग जो हैं वो दक्षिण भारत के निवासी हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है वाराणसी से सामने आ रही है। नाव में सवार 34 लोग नदी में डूब गए थे और जिन्हें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उसके बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ और जल पुलिस ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उसके बाद पानी से 34 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे वाले नाव में कुल 34 लोग जो है वो सवार थे, उसके बाद पुलिस के अनुसार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दो घायल हो गए हैं, जिसे घायलों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है वाराणसी से सामने आ रही है। आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दो लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और नाव में सवार सभी लोग जो है वो दक्षिण भारत के निवासी हैं। और वाराणसी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है आपको बता रहे हैं। नाव में सवार 34 लोग पानी में डूब गए, जिसे एनडीआरएफ और जल पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया, उसके बाद 34 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है।